दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेव, वो कह रहे हैं हर अपराधी को पता है अगर उसने अपराध किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वीरेंद्र सचदेव। वीरेंद्र जी, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब सीबीआई गिरफ्तार करेगी। अभी तक ईडी की बात हो रही थी लेकिन 3 दिनों का वक्त दिया जा रहा है, 3 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि कांग्रेस से अलायंस हो रहा है। मुझे उनकी बातें सुन के हंसी आती है। वो तीनों इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं कि वो तय करते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल कब जाएंगे, संजय सिंह जेल कब जाएंगे, अब वो अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो उन्होंने शायद सपना देखा होगा। कोई जांच एजेंसी कानून प्रक्रिया के तहत काम करती है, वो कैसे काम करती है आपको और हमको नहीं मालूम, तो उनको उनका काम करने दीजिए। लेकिन जो हताशा निराशा उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है वो दिखाता है कि जमीन खिसक चुकी है, पिटा हुआ गठबंधन है, जान उसमें है नहीं। और जिस गठबंधन को बचाने की ये बात कर रहे हैं उस गठबंधन के मुखिया अजय माकन शराब घोटाले की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।